हमारे यहाँ तो इतनी विनम्रता है भारत में, आप किसी से कहें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आदमी शीश झुका लेता है। आपकी कृपा है, देव कृपा है, माता पिता के आशीष हैं, ये सब तो भगवान की कृपा है। या किसी से आप ऐसा कहकर देखिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कितने महान हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति झुक जाता है, लजाता है, संकोच करता है। ना ना ना, भगवान की कृपा है। अमेरिका में पूछ लो, यू आर डूइंग वेल, यस आई एम डूइंग वेल, कुशलता यहां से शुरू है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। नहीं, मैं कहता हूं वो भाषा उनकी है, राम जाने किसी है, पर यहां की भाषा क्या है ये? आई एम डूइंग वेल, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। नहीं भैया, गुंजाइश रख कि मैं ठीक भी कर सकता हूं, गुंजाइश रखो, भाषा में अभिमान है। नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं है उस भाषा से, पर अभिमान है इसमें, हल्का सा अभिमान है। आप उनसे कि आप बहुत अच्छे हैं तो संकोच नहीं करेगा, यस आई एम बेस्ट, यस आई एम, मैं हूं, यू आर नॉट। ये एक एरोगेंसी, ये अपने में एक बहुत सुपर कि मैं बहुत बड़ा हूं, भारत में नहीं है। गोपियों में हल्का सा आ गया, थोड़ा सा आ गया गोपियों में, जब ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, और तो और जब गोवर्धन पूजा में इंद्र भी नतमस्तक हो गया गिरिराज पूजा में, कि भगवान इष्ट उपासक दोनों में एक ही बन गए, सिद्ध साधक गुरु शिष्य एक ही बन गए, भगवान ही सर्वत्र हैं। उस पूरे पहाड़ को अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिया, ये बताने के लिए कि सारी विपत्तियां मैं इस कनिष्ठिका पर धारण कर सकता हूं, सारे कष्ट, सारे भार, सारी दुविधाएं, आपके द्वंद निश्चिंत रहे। इसे सबने, किसी ने लाठी का टेका लगाया, किसी ने दोनों हाथ, और किसी ने सर रख दिया था पहाड़ के नीचे, और फिर धीरे 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 सबने वो हाथ हटा लिए, ये कहकर कि जब कोई एक है जो हमें संभाल रहा है तो एक ही हाथ काफी है, वो एक हाथ काफी है। श्रीनाथ जी की मुद्रा देखिए आप, कि किस तरह से उन्होंने संभाल के रखा है उस पर्वत को, बाधाओं को, कष्ट को, या उनकी कनिष्ठिका, अथवा तो कनिष्ठिका का सामान्य नख, ये छोटा सा नाखून, इस पर ही तो है पूरा पर्वत। ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात को दर्शाता है कि एक बार उसके बन जाइए, फिर जितनी पत्ती आएंगी वो संभाल लेगा, वही संभाल लेगा। पर ये कहानी है क्या, ये है क्या? ये स्वकीय अपने देवी देवताओं को छोड़कर, अपने इष्ट को छोड़कर, अपना यजन भजन पूजन पाठ और अपनी परंपरा, अपनी विद्या, अपने सिद्धांत, अपनी कुल परंपरा को छोड़कर, और उनकी पूजा करें जो अपने नहीं है, लेकिन अन्य की भी जरूर करें, अन्य का भी जरूर आदर करें, पर अपनी कुल परंपरा का पूजन करें।